नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। फतेहाबाद के सदर थाना क्षेत्र में गांव धारणिया में एक महिला का उसके पति और सास ससुर द्वारा दहेज के लिए पानी में डुबोकर हत्या करने का मामला सामने आया। महिला का शव पुलिस ने धारणिया गांव के समीप आदमपुर माइनर्स नहर से बरामद किया। शव बरामद होने के बाद पुलिस ने मृतका के परिजनों को जानकारी दी और DSP अजय सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को मृतका गुड्डी देवी के चाचा जगदीश चंद्र ने शिकायत देते हुए बताया कि गुड्डी देवी की शादी गांव धारणिया निवासी कुलदीप के साथ हुई थी। जगदीश चंद्र ने दहेज के लिए अपनी भतीजी गुड्डू की ससुराल के पति सास ससुर द्वारा हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने जगदीश चंद्र की शिकायत पर आरोपी पति कुलदीप व सास ससुर पर दहेज के मामले में हत्या करने का आरोप व केस दर्ज किया है। शव को पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। वहीं DSP ने जानकारी देते हुए बताया कि केस दर्ज करने के बाद पूरी घटना की जांच की जा रही है और मामले में नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पल पल फतेहाबाद से राजेश भांबो की विशेष थाना फतेहाबाद में जगदीश नाम व्यक्ति जो गांव के लगा रहने वाला है, नई सूचना दी थी उसकी दीदी गुड्डी देवी जो कुलदीप के साथ धरने गांव में शादीशुदा थी, उसकी सास ससुर व उसके पति द्वारा पानी में डुबोकर हत्या कर दी गई है, जिसमें उसकी डेड बॉडी आदमपुर माइनर जो धरनिया के पास है उससे बरामद कर ली गई है। डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करा गया, उनके वर्षों के हवाले कर दिया गया है और दोषियों के खिलाफ दहेज की हत्या के संबंध में हत्या के संबंध में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिसमें कार्रवाई की जाएगी।